हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जाने वाली हूँ मेट्रो, तो अभी मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ में मेट्रो। तो आप लोग सोचोगे मेट्रो क्या है, तो मेट्रो एक मॉल है जहाँ पर कि आपका ग्रोसरी का सारा सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है। ग्रोसरी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या फिर जो भी आइटम्स होते हैं सभी चीज़ें मिल जाती हैं, वेजिटेबल्स भी और जो भी किचन से रिलेटेड सामान होता है वो भी, बच्चों के टॉयस भी और कपड़े वगैरह भी, मतलब सब कुछ एक ही मॉल के अंदर वहाँ पर मिल जाता है। और मेट्रो के अंदर जाने के लिए एक ना शॉप का कार्ड बनता है जो कि बनवाना ज़रूरी होता है। विदाउट कार्ड के आप एंट्री नहीं कर सकते वहाँ पर, वो सिर्फ शॉपकीपर के लिए ही बनता है, जिसको कि आपको बनवाना पड़ता है पहले। आप विदाउट कार्ड वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। तो इवनिंग का टाइम था, हम लोग जा रहे थे और ये देखिए कांच का शीशा टूटा हुआ है हमारी गाड़ी का। तो ये गाड़ी मतलब काफ़ी पुरानी है। एक्चुअली में ये गाड़ी जो है मेरे देवर की है, ये गाड़ी हमारी नहीं है, मतलब देवर की है। तो उन्होंने ही यहाँ पर इसे रख कर छोड़ा है कि आप लोग जब तक यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, बट हक नहीं है हमारा इस पर कि हमारी है। तो हस्बैंड को ही आती है गाड़ी चलानी, बाकी और किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो इतना होता है कि हाँ, बच्चों के साथ कहीं जाना होता है तो हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है मॉल, काफ़ी बड़ा मॉल है। और अभी यहाँ पर देखिए हम लोग जा रहे हैं पार्किंग में। तो आप लोग देखोगे पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, काफ़ी जगह है। जो लोग मेरठ में रहते हैं और वो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लेकिन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना कार्ड के आप लोग एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपके किसी रिलेटिव के पास वो कार्ड है तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। जैसे आर्मी वालों के पास एक कार्ड बना हुआ होता है ना कैंटीन का, वैसे ही एक कार्ड यहाँ पर बनता है शॉपकीपर्स का, उससे ही आप एंट्री करते हो। तो यहाँ पर ना लिफ्ट्स भी दी हुई है और मेन गेट भी है, आप यहाँ से भी जा सकते हो सीढ़ियों से, मतलब सीढ़ियाँ नहीं है, ऐसे ही स्लाइड बना हुआ है, और चाहे तो आप लिफ्ट से भी जा सकते हो। तो हम लोग लिफ्ट का यूज करेंगे ऊपर जाने के लिए। और लिफ्ट ये छोटी है और एक बड़ी लिफ्ट है, दो लिफ्ट है यहाँ पर अंदर जाने ऊपर जाने के लिए मतलब। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और जाने के बाद लिफ्ट में हम देखे हम लोग पहुँच चुके हैं, और पहुँचने के बाद हम लोग ने एंट्री कर ली है मॉल के अंदर। तो जाने से पहले हम लोग यहाँ पर कराएंगे कार्ड की एंट्री। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड करा रहे हैं कार्ड की एंट्री, जो भी कार्ड था उससे वो करा रहे थे एंट्री, क्योंकि हमारे पास मेट्रो का कार्ड बना हुआ है। और अगर आप लोग मेरठ में रहते हो और आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, तो श्योर आप लोग आ सकते हो, आपका वेलकम है। तो यहाँ पर देखिए एंट्री हो चुकी है और सबसे एंट्री पर ही लगे हुए हैं बच्चों के टॉय। तो ये हैं कुछ गाड़ियाँ जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। आप में से कुछ फ्रेंड्स को पता ही होगा बच्चों को टॉय कितने पसंद होते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉय थे, 45% ऑफ था, तो ये 149 का पड़ रहा था एक टॉय। तो बच्चों को तो खिलौने अट्रैक्ट करते ही हैं, तो अगर आपके बच्चे शरारती हैं और बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करते हैं तो इस तरह के टॉय आप दिला सकते हो बच्चों को, ये टूटते नहीं हैं। और यहाँ पर ये वाटर बॉटल्स रखी हुई थी, गर्मियाँ हैं तो गर्मी के सीज़न में वाटर बॉटल्स सबको चाहिए होती हैं, तो आप ये परचेस कर सकते हो यहाँ पर आकर। और यहाँ पर ये टॉवल्स, बेड शीट्स और बहुत सारे आइटम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रॉली हमने ले ली है एक, और इसमें बैठा है सनी, क्योंकि सनी को गोद में लेकर चलना हमारे बस की नहीं है और सनी को सब कुछ देखना होता है, हाइट उसकी कम रह जाती है, तो इसलिए इसको ट्रॉली में बिठाकर ही हम लोग यहाँ पर घुमाते हैं। और काफ़ी बड़ा मॉल है ये, तो यहाँ पर पायदान वगैरह सब कुछ थे। और ये थे ड्राई फ्रूट्स जो कि यहाँ पर लगे हुए थे, ये बादाम थे और ये तेल था फॉर्च्यून का। तो फिलहाल तो हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए आए थे और आप लोगों को मेट्रो घुमाने के लिए आई थी, तो कि सोचा कि चलो आप लोगों को भी मेट्रो घुमा देती हूँ कि मेट्रो में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हैंड ब्लेंडर है, टोस्टर है, और मुझे हैंड ब्लेंडर लेना था, मेरा हैंड ब्लेंडर ख़राब हो रखा था, लेकिन मैंने ये नहीं लिया क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आया। एक्चुअली क्या, इसका जो स्विच है ना उसको पकड़ के रखना पड़ेगा जब तक भी आप कोई काम करोगे इससे, तो इसी वजह से मैंने ये नहीं लिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा देर का काम होता है तो हाथ भी थकने लगते हैं उसे पकड़े पकड़े, तो इसी वजह से, और काफ़ी हल्का भी मुझे ये लगा। और यहाँ पर मिक्सी, चिमनी गैस की और गैस के चूल्हे वगैरह बहुत सारे आइटम आपको मिल जाएंगे
टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। माइक्रोवेव भी है, देखिए बहुत सारी वैरायटी हैं माइक्रोवेव की भी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं इजीली। अगर आप लोग यहाँ पर आकर परचेस करना चाहते हो तो आप लोग श्योर बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए चाय पत्ती थी, तो यहाँ पर ये देख रहे कि चाय की पत्ती में ऑफ़र है या नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर 1 किलो का ही चाय पत्ती ले लेती हूँ। और यहाँ पर गीजर लगे हुए थे और ये वाटर प्योरीफायर थे, जो कि मतलब कुछ लोग लगवा लेते हैं अपने शॉप वगैरह के बाहर या जैसे भी उनको सही लगता है, वाटर कूलर होते हैं वो। और इधर कूलर रखे हुए थे, जो भी आपको मतलब गर्मियों में चाहिए होती किसी को तो ले सकते हैं। और यहाँ पर ये चप्पलें लगी हुई थी, तो आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे पूरा। और जो लोग मेरठ से हैं और आप लोगों ने ये जगह नहीं देखी है कहाँ पर है, तो मैं बता देती हूँ ये जगह बागपत रोड पर है। आप लोग आ सकते हो यहाँ पर, सुभारती से पहले ही बागपत रोड है। सुभारती तो बाईपास पर पड़ता है, लेकिन उससे पहले ही बागपत रोड पर है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ एक बार। लोकेशन आप लोग सेट कर सकते हो अपने आप। और यहाँ पर कपड़ों की क्लॉथिंग में आपसे मैं बताऊँ तो यहाँ पर सिर्फ मेंस वियर ही मिलता है, लेडीज नहीं मिलता है। और यहाँ पर देखिए मैं देख रही थी फ्रिज, और ये फ्रिज था 85,000 का। आप समझ सकते हो 85,000 का, इसमें काफ़ी सारे खाने बने हुए थे और बिल्कुल सेफ लुक का था, जैसे सेफ होती है ना वैसा था। एक ये वाला था, इसमें भी मतलब काफ़ी बड़ा था ये भी, देखिए इसमें नीचे से ना खुलने वाला था। तो मैं खोल कर देख रही थी, तो मेट्रो में जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप कुछ भी सामान ले। छोटी वाली बेटी है लवी, वो गई थी ट्यूशन, तो मैं आ गई थी मेट्रो, और मेरे साथ में बेबो आई है और सनी आया है, पापा आए हैं और वो गए हैं अभी चीज़ ट्राई करने के लिए। तो चलिए आज घुमाते हैं आपको मेट्रो। यहाँ पर ना सभी चीज़ें मिल जाती है, ए टू जेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सब कुछ। क्लोज आया और यहाँ पर देखिए सनी भी मस्ती कर रहा था। ये था ट्रायल रूम। एक्चुअली भी क्या था, यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड जींस ट्राई कर रहे थे दूसरे वाले ट्रायल रूम में, तो यहाँ पर सनी था जो कि देख रहा था बार बार, मतलब दूसरे वाले ट्रायल रूम में घुस के मिरर में कि मम्मा मम्मा इस तरह से। और फिर इन्होंने जींस ली नहीं थी क्योंकि इन्हें पसंद नहीं आई थी, कम्फर्टेबल नहीं हुई थी इनको इसी वजह से। और यहाँ पे ये बैठ कर ना यहाँ पर शूज़ पहन रहे थे अपने, और मेरे बड़ी वाली डॉटर को भी एक जोड़ी शूज यहाँ पर पसंद आ गए थे, तो उसने वही शूज अपने पापा को दिखा रही थी, तो वही पहन कर ये देख ही रही थी। तो यहाँ पर इसने ये शूज़ पहन कर देखे थे तो इसको पसंद आए थे, तो ये शूज मैंने ले लिए थे इनके इसके लिए। और ये शूज इसके 500 के आए हैं आई थिंक, तो ये शूज ख़रीदे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर चप्पल्स भी हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं बच्चों की बड़ों की, जैसी आपको लेनी है वैसी आप ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप निकलो तो घूमने के पर्पज़ से आप कुछ ना कुछ तो ख़रीद कर यहाँ से जाओगे ही जाओगे। और यहाँ पर देखिए मॉइस्चराइज़र की भी कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, गर्मी की, सर्दी की, जो भी आपको लेनी है, जिस तरह की आपको लेनी है, क्रीम, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश या फिर एलोवेरा जेल, कुछ भी आप एवरीथिंग यहाँ से ख़रीद सकते हो। मैं आपको सभी चीज़ें दिखा रही हूँ पास से भी, तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। और देखिए मेट्रो में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, आपको कोई सामान लेना हो या ना लेना हो आप सबको उठाकर देख सकते हो, और अपने प्राइस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई आपको मना नहीं करेगा छूने के लिए, टच करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए डायपर्स की कितनी सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी, और लेडीज पैड्स वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग, बच्चों के देखिए जॉनसन के पाउडर, तेल, शैम्पू सब कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैंने भी ख़रीदा था अपने बेटे के लिए जॉनसन का पाउडर, जॉनसन का शैम्पू, जॉनसन का मॉइस्चराइज़र और जॉनसन की क्रीम। तो देखिए ये सब चीज़ें तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, और जैसा मौसम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो सामान की ज़रूरत पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से सामान खरीद लेते हैं। तो जो मार्केट रेट में मिलता है ना उससे थोड़ा सा कम प्राइस में यहाँ पर मिल जाता है। आप लोगों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा चीज़ें, जैसे कोई चीज़ मार्केट में मिलती है ना उससे तो आपको कम रेट पर ही मिल जाती है यहाँ पर,
थोड़ा सा मतलब रेट में डिफरेंस रहता है। जैसे कोई नमकीन है मान लीजिए मार्केट में आपको 50 रुपीज़ की मिल रही है, तो यहाँ पर वो आपको 48 रुपीज़ की मिल जाएगी, मतलब इतना तो फ़र्क होता है। और जैसे क्वांटिटी में आप सामान लेते हो ना, जैसे मान लीजिए किसी में आपने 6 पीस लिए, तो वही 6 पीस अगर आप मार्केट से लेके आओगे तो वो आपको रेट टू रेट ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप 6 पीसेस एक साथ ख़रीदते हो तो आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाता है। मान लीजिए किसी एक पीस पर 2 रुपये कम है तो वो पीस आपको और 2.5 रुपये या 3 रुपये कम मिल जाएगा, मतलब इतना बेनिफिट होता है यहाँ से लेने में। तो मैं फिर यहीं से ले जाती हूँ अपना जो भी सामान होता है मंथली। और यहाँ पर देखिए दाल चावल ये सब चीज़ें हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो या जितने आपका बजट है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से तुलवा सकते हो दाल वगैरह। और बाकी दाल के पैकेट्स वगैरह भी बने हुए हैं और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी सारे हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा फूड कॉर्नर है, इधर देखिए फ्रूट मिलते हैं और वेजिटेबल्स मिलती हैं सारी, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको जरूरत है फ्रूट वेजिटेबल जो भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर तुलवा सकते हो, मतलब 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो जो भी आपको ज़रूरत है मतलब आप ले सकते हो अपने हिसाब से। तो वेजिटेबल फ्रूट्स तो मैंने यहाँ से नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी घर पे पड़ा होता सब्जी वगैरह, तो वो तो मैंने नहीं लिया था, तो यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया। ये वाली तो भेलपुरी हमने डाल दी ना। और पता है यहाँ पर ना चीज़ वगैरह भी मिल जाता है, जैसे होता है ना मक्खन होता है, चीज़ होता है, या फिर मेयोनीज वगैरह होती हैं, या फिर फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, स्माइलीज होती हैं, या फिर जो भी होता है सामान वो सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। और ये चौकोस वगैरह मैंने इनके बच्चों के लिए डाला था, और ये मैगी वगैरह डाल ली थी यहाँ पर, मैगी पी, क्योंकि क्या ना कि ये सारी चीज़ें तो बच्चों को खानी ही खानी होती हैं। और अब तो वैसे भी वैकेशन चल रही है बच्चों की, तो बच्चों को घर में पड़े पड़े बहुत ज़्यादा भूख लगती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें तो घर में होनी ही ज़रूरी होती हैं, होनी ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं इकट्ठा कर रही थी यहाँ पर, और सनी डाल रहा था मज़े से, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था सामान को उठा उठा कर डालने में। और यहाँ पर देखिए मेरी डॉटर लेकर आई थी ब्रश, तो जो ब्रश लेकर आई थी इनको पसंद नहीं आए थे, तो फिर ये उसे चेंज कराने के लिए गए थे ब्रश को। और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक के बाल्टी हैं, मग्घे हैं, ये सब आप यहाँ से ले सकते हो। रेट अप डाउन होते रहते हैं धीरे धीरे, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो रेट एक बार लिखा हुआ है कि अगली बार आओगे तो आप वही रेट आपको मिलेगा, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑफ़र चलते रहते हैं, ऑफ़र में आपको कोई चीज़ हो सकता है कभी कभी सस्ती मिल जाए, जैसे ये टब इस बार मान लीजिए 400 रुपये का है, तो नेक्स्ट टाइम आप आओ तो हो सकता है वो आपको मतलब सस्ता मिल जाए डिस्काउंट में। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें थी, ये प्लास्टिक की चिमटियाँ वगैरह या फिर किचन का मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, ये देखिए स्पंज होता है बाथरूम में जो यूज करते हैं हम लोग वो, तो इसी तरह की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर सामान की आपको मिल जाएंगी। ये था निप साबुन या फिर निप का लिक्विड आता है ना वो भी है, वाइपर है जो भी हम लोग यूज करते हैं, या पोंछा वगैरह के जो स्पंज वगैरह होते हैं ना वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप लोग कहने का मतलब ये है कि जो भी आप चीज़ खरीदना चाहते हैं वो सब चीज़ें आप बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ से ख़रीद सकते हो। और यहाँ पर देखिए बैग्स हैं, ये गद्दे हैं, जो भी आप गद्दे वगैरह आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और ये बैग वगैरह जो ट्रॉली वाले बैग होते हैं ना वो भी सब यहाँ पर मिल जाते हैं, बच्चों के स्कूल बैग्स भी मिल जाते हैं, बेड शीट कंबल्स प्लो सब कुछ यहाँ पर आप ले सब आओ आप, और आप बार बार ख़रीद सकते हो, मतलब आप एक बार ही ख़रीद कर लेके जा सकते हो। और यहाँ पर बच्चों की स्टेशनरी है, तो यहाँ पर मेरी बड़ी वाली डॉटर को पेन चाहिए थे, तो वो पेन सिलेक्ट कर रही थी कि मम्मा मुझे पेन लेने हैं। तो यहाँ पर आकर ना एक चीज़ और होती है, आपको पर्चा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको ये सामान चाहिए आपको वो सामान चाहिए, यहाँ पर ना आपको देखकर सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ आप ले सकते हो। कुछ जगह पर तो मैं गई भी नहीं हूँ, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह सेक्शन है वहाँ मैं नहीं गई हूँ, जहाँ पे आटा मिलता है दाल मिलती है वहाँ मैं नहीं गई हूँ, जहाँ पर ऑयल मिलता है वहाँ मैं नहीं गई हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे ये सब जगह नहीं जाना था, मुझे ये सब राशन नहीं लेना था। और यहाँ पर सनी खेल रहा था अभी बॉल से, तो और यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह की वैरायटी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये नॉनस्टिक पैन कुकर ये सब चीज़ें थी, नॉनस्टिक पैन कढ़ाई और
जो भी सामान होता है नॉन स्टिक, आजकल ये भगोने भी चल रहे हैं जो कि आजकल काफ़ी यूज होते हैं, वही हैं। और ये देखिए इधर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कटिंग वगैरह करने के चॉपर होता है और जो भी होते हैं ना वो सब चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पर आती रहती हूँ, महीने में एक बार तो आ ही जाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये क्रॉकरी नॉन स्टिक गिफ्ट सेट्स हैं, काफ़ी मतलब महंगी वैरायटी होती है ये, लेकिन यहाँ पर थोड़े रेट वाइज सही मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आप ख़रीद सकते हो यहाँ पर आकर बिल्कुल। और ये देखिए बर्तन वगैरह हैं यहाँ पर, कुकर हैं, तो जो भी आपको अपने किचन के अकॉर्डिंग जरूरत है वो आप ख़रीद सकते हो यहाँ से आकर। तो मैं तो जब भी मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं ले लेती हूँ। तो पिछले महीने में आई थी तो मैं यहाँ से एक तवा लेकर गई थी जो कि नॉन हाइड्रोनिक होता है, वो वाला नॉन स्टिक नहीं था। तो वो अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसा होता है वो। और यहाँ पर देखिए हम लोग चल दिए हैं शॉपिंग करके घर वापस, तो अभी हम लोगों को करनी है पैकिंग। तो पैकिंग यहाँ पर खुद से करनी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको पैकिंग करके देगा। तो यहाँ पर ना एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पर कि आपको डब्बे वगैरह मिल जाते हैं या फिर कट्टे वगैरह मिल जाते हैं जिनमें आप अपना सामान खुद से पैक कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी कर रहे हैं ये सामान पैक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।